सो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमल ब्रह्म और मैं फिर से नया वीडियो लेके आया हूँ। ये डेक्सन लाइफ पे स्टिंग लॉन्च हो गया था, उसके बाद हमने बोस्टिंग डाला और बोस्टिंग इनकम आया, उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं कि नहीं। ट्रांसफर करने के बाद हम दूसरे आईडी पर ये बोस्टिंग डाल सकता है कि नहीं, ये सब कुछ आपको जानकारी देने वाला है। वीडियो को एंड तक देखें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा के लाइक कर दीजिए। सो मैं अपना यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्पीड बोस इनकम, यहाँ पर 3 कॉइन आया है मेरा। मैं इसको ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर चुका है और ट्रांसफ़र करने के बाद कहाँ पर शो करता है ये देख लेना है। यहाँ पर शो करेगा आपका, ठीक है, डीएफ कॉइन बैलेंस पे शो करेगा। सो कैसे ट्रांसफ़र करना है ये वीडियो पे जानेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर 3 लाइन पे क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद आप नीचे जाना। नीचे जाने के बाद यहाँ पर बोस वॉलेट ट्रांसफ़र, यहाँ पर आप क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर ऐसा आएगा, यहाँ पर आपके जितना भी कॉइन होगा वो शो करेगा। आप जितना भी कॉइन ट्रांसफ़र करना चाहता है उतना आप यहाँ पर डाल लेना, उसके बाद यहाँ पर सबमिट कर देगा ना। सबमिट करने के बाद ईमेल पे ओटीपी आएगा। ईमेल पे ओटीपी आने के बाद आपको यहाँ पर बॉक्स मिलेगा, वहाँ पर ओटीपी डाल के फिर से सबमिट कर देना। उसके बाद फिर चले जाएगा ट्रे लाइन पे जाने के बाद डेस्कटॉप पे चले जाना। यहाँ पर कितना शो करेगा जो आपने ट्रांसफ़र किया था उतना यहाँ पर डीएफ कॉइन बैलेंस पे शो करेगा, ठीक है। बोस वॉलेट बैलेंस यहाँ से कट जाएगा और स्पीड बोस इनकम पे जैसे जितना आया था उतना ही यहाँ पर शो करते रहेगा, ठीक है। उसके बाद आप जिसको भी ट्रांसफ़र करना है तो वो भी आप देख ले। यहाँ पर फिर से 3 लाइन पे क्लिक करेगा। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से डीएफ कॉइन ट्रांसफ़र कर सकता है। यहाँ क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर यूज़र आईडी डालना है और ऑटोमेटिक यूज़र नेम ऑटोमेटिक कैप्चर कर लेगा। उसके बाद आप जितना भी कॉइन डालना है वो अमाउंट डाल के यहाँ पर सबमिट बटन पे क्लिक करेगा। फिर से ओटीपी आपके ईमेल पे आएगा, उसे ओटीपी को यहाँ पर फिर से डाल के सबमिट कर देगा, चले जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर यूज़र आईडी आप जिस बंदे को आप ट्रांसफ़र करेगा उसी का यूज़र आईडी डालना है। यहाँ पर एग्जांपल मैं अपना डाउनलाइन को मैं डाल देता हूँ तो ऐसे ही शो करेगा ऑटोमेटिक। यहाँ पर जितना भी आप कॉइन डालना है, मतलब ट्रांसफ़र करना है उतना डालना है। उसके बाद आप यहाँ पर सबमिट करेगा। सबमिट करने के बाद ईमेल पे ओटीपी आएगा। ईमेल पे जो ओटीपी आया है उसी का यहाँ और नीचे बॉक्स आएगा, उसी में डाल के सबमिट कर देना तो चला जाएगा वो, ठीक है। और अभी बाकी है, किसी को आप ट्रांसफ़र भी ना करते हुए भी आप यूज़र आईडी से कैसे अपने आईडी पर दूसरे को बोस्टिंग डाल सकता है। फिर से यहाँ पर 3 लाइन पे क्लिक करना है। फिर से डेस्कटॉप पे आना है। डेस्कटॉप पे आने के बाद आप वॉलेट ट्रांसफ़र तो कर दिया, आपका यहाँ पर डीएफ कॉइन बैलेंस पे शो कर दिया आपका आईडी पे, तो आप दूसरे को भी ट्रांसफ़र ना करते हुए भी सीधा सीधे अपना आईडी से भी दूसरे का पोस्टिंग डाल सकता है दोस्तों। ये देखे यहाँ पर फिर से इंटर स्पीड बोस, यहाँ पर क्लिक करेगा। क्लिक करने का बाद आप जैसे डाला था अपना बोस्टिंग सेम उसी तरह डालना है, लेकिन यहाँ पर यूज़र आईडी अलग होना चाहिए क्योंकि आप जिस बंदे के पोस्टिंग डालने जा रहा है उसी का यूज़र आईडी होना चाहिए, ठीक है। अपना मत डालना, जिस बंदे के डालना है उसी का यूज़र आईडी होना चाहिए।
ठीक है, जैसे आपने डाला था ऐसे ही ये भी होगा। तो यहाँ पर यूज़र आईडी डालेगा, उसके बाद यहाँ पर सबमिट कर देगा, चले जाएगा वो। सो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के बाद आप समझ गया होंगे।